बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं एक मरतबा फिर नई सुबह वेब रेडियो पर एक बेहतरीन ट्रांसमिशन, जिसका जोश जिसका नाम है। कोई बेहतरीन ट्रांसमिशन नहीं रही है, कसम से तुम बहुत दिल दुखा रहे हो। ये जो बेहतरीन ट्रांसमिशन बोल बोल के ना दिल पे पता नहीं क्या कोयले रख रहे हो तुम। अरे वेलकम बैक चोपू भाई, कोयला आपको याद आता रहेगा, ईद मुबारक कहते हैं। मैं कोई बात बताऊं, मैंने एक काम किया है, मैंने मुझे लग रहा है मैंने अपनी जिंदगी का अच्छा काम कर दिया। वो एक जहाज खरीदा, पूरी टीम को बैठाया, उनको बोला हम पाकिस्तान जा रहे हैं, और मैंने कॉकपिट में ना पायलट के कान में जाके बोल दे इनको झंडू में छोड़ दे। भाई आपकी यही बात सुनकर हमारे सारे फैंस खुश हो जाएंगे आज। मतलब यार जहाज गया बाढ़ में, लेकिन दिल को तसल्ली हो गई। क्या बात है चप्पू भाई, छा गए यार आप। नई सुबह के तमाम लिस्नर्स को बहुत मुबारक हो, हमारे तमाम प्लेयर्स को चप्पू भाई ने जहाज पर रवाना कर दिया है। अब आपको आने वाले दिनों में खबर मिल जाएगी। टुंगा भी था और तेंदुलकर भी था, सब डाल दिए मैंने, समझ तो क्यों ना। मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। फिर से चूजा आ गया दुकान पे। अच्छा अच्छा, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बुलाते हैं चूजे को, जरा बातें करने थे। ईद मुबारक तो बोल दिया आपने लिस्नर्स को, आपको भी वेलकम करना है। हमने आप अमेरिका गए हुए थे, आपकी हो गई। छोड़ दो वो, ये मत बताओ कि मैं अमेरिका गया हुआ था। अच्छा सही है भाई, ये लाड़ी मैंने छंगा मांगा वहाँ गया हुआ था। बिस्ती फील हो रही है। मैं काश्तकारी करने गया हुआ था, काश्तकारी छंगा मांगा में और लाड़ी में। क्या बात है, मैंने नए नए प्लेयर्स के बीच बो दिए, इंशाल्लाह काश्तकारी होगी, हो जाएगा, अच्छी हो जाएंगे। लेकिन लाड़ी से तो फुटबॉल के प्लेयर्स निकलते हैं, हम क्रिकेट के ग्राउंड में खिलाएंगे ना वो सारे। यार चप्पू भाई ये आप भी कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, आप कैसे शामिल हो सकते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, कैसे बन सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अच्छी होने गए कि होने वापिस आए। 030 नहीं 0330 जी 860000 जी 72। क्या बात है चप्पू भाई, नहीं होने गए नहीं जा रहे ते होने नहीं आ रहे। हम facebook.com/naisubahinstitute सर्च करने के बाद भी इस ट्रांसमिशन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक लीव कर सकते हैं। क्या करेंगे लिस्नर, समझ नहीं आ रही ना भाई। भाई वो कमेंट करेंगे कि भाई पाकिस्तान की टीम तो भिजवा दी, हमें मत भिजवा दीजिएगा प्लीज, हमें मत भिजवा दीजिएगा। जैसे लोग हनीमून पैकेज कराते हैं ना, मैंने उनका पैकेज करा के भिजवाया है। उनको हर फैसिलिटी मिलेगी वहां पे। हमारे साथ साकिब रजा भी मौजूद हैं, उन्हें भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं, और हमारे साथ जिन्हें जिन्हें चप्पू भाई चूजा बोलते हैं वो भी हमारे साथ शामिल है, तो इन्हें भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले हम साकिब रजा को वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम साकिब, एंड ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक एहसन इकबाल, एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे मिजाज हैं मेरे लिसनर्स के, क्या हाल चाल हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप आप जहां होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियों को जी रहे होंगे। ईद मुबारक जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह एक और ईद अल्लाह ताला ने हमें अता की, और तमाम ही इंसानों ने बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए कुर्बानी की और जानवर ज़िबह किए, जानवर ज़िबा किए, तो जाहिर है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस दौरान रही। टीम को भी ज़िबा कर दो, तो भाई जानवर ज़िबा कर दिया इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, कर दो टीम को ज़िबा कर दो। नहीं नहीं, अब जज्बात तुमने कुर्बान कर दिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। कुर्बान कर दिए, सब कुछ हमने कुर्बान कर दिए, हम भी कुर्बान हो गए, लेकिन क्या करें, जाहिर है टीम। मजे की बात देखो, अल्लाह ताला जो है ना हमारी कुर्बानी कबूल कर लेता है, टीम कुर्बानी नहीं कबूल कर ली हमारी, ये टीम मसला है यार, ये कब टीम कुर्बानी कबूल करेंगे, ये तब कबूल। आप कुछ बोलेंगे इस बारे में, मैं समझता हूँ जब बाबर आजम की शादी यार चप्पू भाई, वो जो बकरे या गाय को काटते हैं तो वो जैसी आवाज निकालती है बकरा, वो आवाज निकाल के दिखाए ना कैसी है, जब वो नहीं नहीं जब वो गले पे छुरी फिर रही होती, जब वो जो क्या बात है, क्या बात है, एक दफा फिर ये आप पैसे लेंगे चप्पू भाई। नहीं नहीं, पैसे देने पड़ेंगे भाई मुझे। नहीं नहीं, चप्पू भाई देखे ना, हम अच्छा 5 रुपए का कर ले, 5 रुपए का। अरे बड़ा जानवर काट ले, वो ज़िबा होने तो दो, ज़िबा होने से पहले नहीं आता, मिन मिन आता, वो मिन आ रहा है, वो देख के मिन मिन आ रहा है, इतने सारे लोग आ गए एक बकरे में। अरे इतना खून, भागो भाई थोड़ा कम कर लो।
अच्छा यार, हमें बड़े जानवर गिरा रहे हैं, हालांकि हमारे साथ तो चूजा मौजूद है, ये क्या बात हो रही है? चूजे की कॉल आ गई है, पता नहीं क्या इनकी मुर्गी ना वो कॉल कर रही क्या बात है भाई, क्या स्टूडियो से जैसे कोई वो नहीं भत्ते की कॉल आती भाई, क्या पता सबके अपने मामले आते हैं। जनाब चप्पू भाई और एहसन इकबाल के आप ये चुटकुले सुन रहे हैं, तो जाहिर है ये चप्पू भाई हमारे साथ होते हैं। और साकिब भाई, अभी जो ईद की ट्रांसमिशन हुई थी उनमें ना क्या कहते हैं ये अक्सर ज्यादा ये तो बड़ी सजदज के आई थी, ऐसे लग रहा था कि यही जिबा होने जा रही है वाकई ये तो वो ना बोलते कहते हैं जैसे गले में गाय झूमर नहीं पहनती, तो यानी आप गाय यानी आप अक्सर ज्यादा को गाय कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं गाय को अक्सर ज्यादा कह रहा हूँ और तलहाई नाम तो बैल बन के आए थे, मजनू बन के आए थे। अच्छा, स्पेशल सॉन्ग गाया मैंने, गाए के मजनू। मैं हीरो तेरा, वही बिल्कुल ट्रांसमिशन भी आपने, इन्होंने ना मैं हीरो के बाद थोड़ा सा गैप दे दिया था। अच्छा। और तो वो तेरा की वजह टेढ़ा हो गया मैं हीरो टेढ़ा, ये टेढ़े ही है। तो जनाब आपने ट्रांसमिशन भी इंजॉय की ईद की, यानी चांद रात से ही हम ईद के तीसरे दिन तक आपके साथ थे, हमारी पूरी जो टीम है नई सुबह वेब रेडियो की मुख्तलिफ आरजेज आपके साथ रहे, मुख्तलिफ दिनों में आपके साथ ईद हमने बिताई और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम एक बार फिर आपके साथ आ गए हैं जीत का जोश में, जहाँ से इंशाल्लाह आपके साथ रोज़ाना एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ था वहीं से कंटिन्यू होगा। क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है इस पर बात करते हैं जनाब। सुपर एट मरहले का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सुपर एट का नाम नहीं ले भाई, वापस से उल्टियाँ शुरू हो जाएगी यार ये चप्पू भाई तेरी मेरी सॉन्ग नहीं है कि उल्टियाँ आना शुरू हो जाए। देखा चोर की आईब्रोज में तिनका होता है देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, ये चोर की दाढ़ी में तिनका निकला है उस्ताद। अभी मेरी बात सुनो, मेरी स्ट्रेटेजी सुनो। अच्छा, टीम के पास तो है नहीं, मेरे पास है सही है, मैंने अभी स्ट्रेटेजी खरीद ली है, तो उसमें मैंने सोचा है हमारी जो टीम है ना उसको मुख्तलिफ काम बांटेंगे। अच्छा सही है, हारिस रऊफ साहब को हम देंगे ये धोराजी पे गोला घंटे का स्टाल। वाह वाह, धोराजी यूएसए वाला? हाँ, ये जो शिकागो के बराबर में नहीं है वो जो कौन सी मोहम्मद की सोसाइटी के बराबर में, सही है सही है शिकागो सही है। फिर उसके बाद हम देंगे बाबर आजम को देंगे बाबर का बार बार निकाल के ना, तो हम एक दुकान खोल देंगे नई की काटते रहे सही है। तो ये चप्पू भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं सबको बिजनेस? हाँ सबको, मैं दुकानें खोल के दे रहा हूँ, काम तो कर नहीं देना, मैं इनको दे दूंगा बिजनेस खोल के दूंगा बिजनेस ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो रिजवान खान साहब, रिजवान खान वो पकड़ने में माहिर है ना जी, हम इनको ना मुर्गियों को पकड़ने का लगाते हैं, इनको पोल्ट्री फार्म खोल के देते हैं। क्या बात है, क्या ये रिजवान पोल्ट्री फार्म? हाँ वो रिजवान फूड। अच्छा चाचा को क्या खोल के देंगे? चाचा कौन? चाचा इफ्तिखार अहमद, वो इफ्तिखार ठाकुर के साथ इनको लगा देंगे, जो कॉमेडी करेंगे साले। हाँ कॉमेडी करेंगे, पाकिस्तान टीम में भी तो कॉमेडी कर रहे हैं ना यार, खुल के कर ले स्टैंड अप कर ले। स्टैंड अप नहीं होगी यार, उनकी उम्र ज्यादा है, बैठ के करेंगे कॉमेडी। नहीं नहीं, तो टीम में भी तो स्टैंड अप ही हो रही होती है। नहीं नहीं, सिटिंग कॉमेडी करेंगे वो, आप छोड़ें। अच्छा बेरल आगे बढ़ते हैं, शाहिन शाह अफरीदी को हम लोग ना ये टूल प्लाजा पे लगा देंगे। वो इतना पैसा कमाएंगे वो? तो नहीं, वो जॉब पे होंगे भाई, उनको पैसा नहीं देने। अच्छा मैसेंजर टूल इकट्ठा करके डायरेक्ट? हाँ, टूल प्लाजा के बराबर में है वादी हुसैन, उसकी गेट पे लगाएंगे, वो चेक इन बैलेंस रखेंगे कि रात को कितने मुर्दे बाहर जाते हैं कितने अंदर आते हैं। सही है, कितने को गर्मी लगती है। हाँ ये और कौन बचा टीम में बेहतरीन खिलाड़ी का नाम बताना भाई? शादाब अंकल, आज चूजा भी बोला भाई। कौन सा बचा भाई? शादाब खान बचा भाई जान, उसका क्या करना बताओ, उसको मकई की रेडी दे दूँ? वो चप्पू भाई बताएंगे ना उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो यही बता रहा ना साकिब भाई, शादाब खान के साथ एक काम, कोई अच्छा सा बिजनेस बताओ उनके लिए, खरीद के देते। मेरा ख्याल है शादाब खान को ना, खान शादाब खान को बात सुनो, सब बर्दाश्त हो जाएगा उसको, खान पे कुछ बात आ गई ना इसलिए बिगड़ जाएंगी। एक मिनट हमारी ट्रांसमिशन बंद हो जाएगी, खान मत करें। शादाब खान को आप बल्ले बेचने पे लगा दें। नहीं नहीं, उनको मैं काम करते सियालकोट में ना मस्जिद का मुतवल्ली लगा देते, ताकि वो बल्ले वाले शहर में रहेंगे ना, तो वहाँ पे सही वो मुतवल्ली कर सकेंगे, कोई भी मस्जिद से बाहर बगैर टोकन के नहीं आएगा। राइट जनाब, सबके काम तो हो चुके हैं तमाम, क्योंकि टीम जो है उसका प्रोग्राम जारी नहीं रह सका वर्ल्ड कप में, तो इसलिए जब वापस आए हैं तो उसके बाद सबको काम मिल गए। लेकिन जो इतने सारे लाखों करोड़ों दिल टूटे हैं
वो दिल जोड़ने की अगर किसी के पास दुकान है तो वो मैंने बात सुनो मैंने वो उनसे बात की हुई है वो एल्फी वाले कौन से थे वो यार बड़ा अच्छा इश्तिहार आता था भारत से आता था फेरिकॉल वालों को मैंने बोला हुआ है फेबिकॉल डायरेक्ट नाम नहीं लेना होता पागल हो गया अच्छा फेबिकॉल से हां तू और बोल ले बजाते करते जिसको नहीं भी पता ना वो भी पता चल ले फेरिकॉल अपना ब्रांड निकालेंगे अच्छा। पहले पूरी फैक्ट्री खरीदूंगा फेरिकॉल बनाऊंगा और फिर सबको एक एक लीटर पिला दूंगा और ऐसा जुड़ेगा दिल ऐसा जुड़ेगा दिल सिर्फ दिल ही जुड़ेगा ना मत बैठे को दिल की गारंटी मेरी बाकी की मेरी नहीं है भाई क्या बात है हम चलते हैं हमारे साथ एहसन मसूद साहब मौजूद हैं आज की ट्रांसमिशन चूजा भी साफ होता है ना होना तो पता लग जाएगा आपको यखनी कहाँ से मिलेगी अच्छा एहसन आपके लिए एक सवाल है बेटे मैं सुनो देखो ईमानदारी से जवाब देना है घबराना नहीं आपने सबसे पहले तो ये पहले बताओ पहले आप आए कि मुर्गी पहले मैं आया या मुर्गी हाँ मतलब पहले अंडा आया कि मुर्गी यार चूजा है पहले वाह 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 डायरेक्ट डाउनलोडिंग तो मुर्गी बनी है ना लो मैं नहीं खेल रहा इतना अच्छा जवाब दे रहा आगे वजाहत करने की क्या जरूरत है बंद कर लो मैं नहीं खेल रहा भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहां तक सुनने के लिए बस खत्म इसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रही हमारा ऑडियंस जोन आ गया भाई आई मीन तेल में तेल नहीं रहा भाई अच्छा ऐसा अच्छा सर छोड़े चूजी मुर्गे को अब पाकिस्तान पे आए सवाल जवाब नहीं जरा सलाम दुआ तो कर लेना आपसे ईद मुबारक वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक गोश्त मोश खाया कोई बिल्कुल खाया क्यों नहीं खाया लगा क्यों नहीं फिर क्या नहीं लगा गोश्त नहीं लगा हाँ नहीं। खाना नहीं था लगवा लेना था भाई गोश्त पेट भर के खाया है ये खाना होता है लगा कहाँ जा रही है कौन सी मशीन फिट कराई है ये कीमा मशीन ये कहीं ट्रांसफर तो नहीं करवा रहे सदमा लगा है पाकिस्तान के अंडे का भाई उफ ये नहीं लग रहा पाकिस्तान तो रूटीन में खेला है मैं तमाम पाकिस्तानियों से सामने वाले जीत गया मैं तमाम पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि ये आप लोग मुझे बताएं कि पहले से आराम है मेरे को नहीं है पहले आराम यूं नहीं है क्योंकि हम सुपर एट में नहीं जा सके हमारी जैसी तगड़ी बॉलिंग नहीं जा सकी तगड़ी बॉलिंग कहूंगा मैं एक ओवर में 18 रन वाली वो तो हो जाते ना एक 20 ओवर के पूरे एक टोटल देखा जाए तो बेहतरीन बॉलिंग देखो जब वो शाहिन शाह अफरीदी का ससुर कौन है शाहिद अफरीदी खड़े खड़े 6 बॉलर में 6 छक्के मार सकते हैं उन्हें नहीं मारे थे ना जावेद मियांदाद ने आज तक नहीं मारे शाहिद अफरीदी 6 गेंदे खेल लेते बड़ी बात थी किसका मशहूर है या वो अफवाह किसकी मशहूर है पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तान में है यार मियांदाद ने शायद एक बॉल में मारा था एक बॉल पे 6 छक्के अरे नहीं एक बॉल पे एक छक्का चाहिए था उन्होंने मार के ट्रॉफी चेतन शर्मा को दिया था मिला के नहीं में मिला के नहीं दिया था डायरेक्ट दिया था बात सुनो हमारे पास ना भारतीय लोग भी हैं वो भी बेचारे सुन रहे होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए यार हमारे नेशनल है हमारे पड़ोसी मुल्क का भाई असल में एक भाई भाई अपनी मीडिया को सुन लेना फिर उनको पता चलेगा कि वो कैसे बोलते पाकिस्तानियों को तो दिल बड़ा होना चाहिए ना यार दिल खरीद लो यार बड़ा बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में बुला रहे हैं उन सबको भाई आइए यहाँ पे हम होस्ट हैं मैं पंप लेके दे रहा हूँ अच्छा एक मिनट चैंपियंस ट्रॉफी की बातें भी करेंगे लेकिन वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में फिर ट्रांसमिशन करेंगे यार बहुत मजा आता है और पाकिस्तान में अगले साल पाकिस्तान में सारी टीमें आएंगी फिर हम इनके साथ वही करेंगे जो अमेरिका में हमारे साथ हुआ है फाइनल में जाएंगे हम विन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में 50 ओवर खेलना पहले बड़ी बात होती है अच्छा अच्छा एहसन जी भाई सुपर एट में न्यूजीलैंड में नहीं गई बोला करो मेरे हमनाम सही है बोलो मेरे हमनाम नहीं यार मैं नहीं बोल सकता मेरे हमनामा बोल तो चलो अच्छा नेम फेलो माय नेम फेलो वो जाटू अंग्रेज आया अच्छी होने गई तो होने वापस न्यूजीलैंड नहीं है न्यूजीलैंड नहीं गई पाकिस्तान नहीं गई तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं गई और बड़ी टीमें नहीं गई भाई उनके कैप्टन ने गैरत खाई है आपके सामने कैप्टनसी छोड़ दी केन विलियमसन ने किसने केन विलियमसन ने केन विलियमसन तो आते जाते कैप्टन है उनका मसला थोड़ी है वो पहले भी तो टीम पाकिस्तान के आने पे न्यूजीलैंड के कैप्टन ने कैप्टनशिप छोड़ दी नहीं उनकी भी तो हार गई उनके कैप्टन ने गैरत खाई उन्होंने छोड़ दी हमारे वाले कैप्टन आगे बोल रहे हैं भाई मैं नहीं छोड़ूंगा कैप्टन आगे नहीं बोलना वो बहुत कुछ खाते हैं सेल्फी लगा देते हैं अगर लेट्स सपोज बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ देते हैं जी भाई तो पाकिस्तानी टीम बेहतर हो जाएगी
भाई सारी टीम चेंज करो, नए लड़कों को खिलाओ। एक मिनट रुको ना, अभी न्यूजीलैंड की ने सिर्फ तो केन विलियमसन ने कैप्टनसी छोड़ी है बस। हाँ। वो टीम में से भी नहीं गए, हालांकि वो उनका स्ट्राइकर वो ऑटोमेटिकली टीम से बाहर हो जाएंगे, आप कुछ टाइम देख लेना, टीम में जगह ही नहीं बनती। अच्छा हाँ। उनकी भी टीम में जगह नहीं बनती, नहीं बनती। फिर किसकी जगह बनती है वो जाने, हम अपनी टीम की बात करें भाई। हारिज है, साहिब ज़ादा फरहान है, साई मयूर इन सब को कैप्टन बना खान है, कैप्टन बना रहे हैं। कैप्टन किसको बनाए? कैप्टन आप शाहिन शाह को बना दें, आप वो न्यूजीलैंड में जाके जो हमारे साथ होया था 4-1 से हम जीते थे, मतलब न्यूजीलैंड वाले हमसे। यार एक सीरीज से कोई कुछ नहीं होता, टाइम दिया जाए। बाबर आजम ने क्या किया आपके सामने, इतने एशिया कप, 2 T20 एशिया कप, 1 ODI एशिया कप, कहां तक गए हम? फाइनल में गए? फाइनल में किस तरह गए? नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम फाइनल में चले गए। फाइनल में गए सर, ये मैटर नहीं करता। 92 का वर्ल्ड कप हम कैसे गए, कैसे गए फाइनल में आप बताएं? वो तो कमजोरी थी भाई, बस फिर ऐसे ही होता है सबके साथ, हम तो शुरू से ऐसे जाते हैं। इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? उसमें ये कसूर है इनका कि इन्होंने 19-19 और 20-20 ओवर नवाज से करवाए, ये कोई तरीका नहीं होता। चलो ये तो कैप्टनसी की बात आ गई ना मेरे भाई, भाई मेरी बात बैटिंग की बात कर रहा है। एहसन भाई, मसूद भाई एक बार बात सुनेगा, हम मछली और दूध खाते क्या होता है? वाइट हो जाते हैं ना धब्बे। हाँ। तो वो तो रिएक्शन होता है ना, हम समझते हैं डिजाइन बना दिया हमने। हाँ। समझ आई? हाँ। समझ में आ गई, लेकिन तो इसकी मिसाल इसलिए देनी पड़ी मुझे, आप जो बोल रहे थे ना 92 में कप कैसे जीते, ऐसे ही होता है, वो गलती से दूध और मछली खा ली थी तो कप जीत गए। आई समझ कुछ रिलेट हुआ? चप्पू भाई क्या बात है जनाब, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं होता। चप्पू भाई हमारे साथ है, और चप्पू भाई के साथ बहुत मजा आता है यार, वाकई बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। जिस तरह अभी 92 में जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, वो किस तरह जीता था वो आपने चप्पू भाई की जुबानी सुना जनाब, बिल्कुल। इस वक्त बात चल रही है, पहले ना एक और भी हादसा हुआ था। हाँ क्या? वो सिद्धू पाजी का नाम सुना आपने? उनको डक पे आउट कर देता 1990 में। वो तो मैं रोजाना आपको आउट कर रहा होता हूँ डक पे, बरल। जनाब बात चल रही है पाकिस्तानी टीम की, और पाकिस्तानी टीम ने वाकई बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी, बहुत दर्द हुआ, गम हुआ, बहुत अफसरदा हुए पाकिस्तानी अवाम, अभी तक उस गम से ना निकल सके। जाहिर है बीच में ईद आई, लेकिन ईद पे भी काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा कि काश पाकिस्तान जीता होता, हम मुख्तलिफ अंदाज में ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते। जी हमने पहले ट्रांसमिशन में ना अपने गाना लगाया था, तुम जीतो के हारो, ये टीम ने सीरियस ले इस गाने को, ठीक है जो कर रहे हैं प्यार तो करेंगे लोग। अच्छा एक और चीज़ है भाई यार, वो आपने डक वर्थ लुइस का नाम सुना भाई? जी जी जी, ये जो भाई रहते थे ना ये जोहर ब्लॉग 19 में। अच्छा उनके फॉर्मूला के तहत पाकिस्तान अब जीत सकते हैं? नहीं नहीं, अब वो सारे फार्मूले भी आपके फेल हो गए जनाब, आखिर कब तक कुदरत का निजाम? का फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ तो लगाओ यार। ये कुदरत का निजाम वाले फार्मूले को लेकर चल रहे थे, वो भी इस बार फ्लॉप हो गया, कुदरत ने भी साथ न दिया। बरहल पाकिस्तानी टीम में बहुत सारी चीजें हैं, कुदरत ने तो साथ दिया। देखो बात सुनो यार, यहाँ पे कुदरत पे बात आ रही है ना, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा, कुदरत को कुछ ठीक बोलना, कुदरत ने साथ दिया है, इनकी हरकतों ने साथ दिया है, जिसका होटल है बराबर में कुदरतुल्लाह। अरे भाई वो नहीं, अल्लाह ताला भाई, अल्लाह पाक, अल्लाह मियां, अच्छा अच्छा साईं, रब्बे करीम परवरदिगार, तो माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक बेशक जनाब, बेशक करता है तो वो पाकिस्तानी टीम से नहीं प्यार करेगा। पाकिस्तान यूएसए का मैच था, आप सुपर ओवर तक जाने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी चले गए थे। अल्लाह ताला लेके गया था ना, अब आपको किसने कहा था कि मोस्ट सीनियर प्लेयर को बॉलिंग दे के 1 ओवर में 18 रन डलवा दो, किसने कहा था आपको? उनको तो रेस्ट देना चाहिए था, मोस्ट सीनियर प्लेयर को रेस्ट होता है। हाँ। डॉक्टर ने उनको रेस्ट दिया हुआ है, फिर भी टीम में खिला रहे। बरहाल जनाब ये कहूंगा कि बाबर आजम के पास बेस्ट ऑप्शन थी कि सुपर ओवर मोहम्मद आमिर से दिलवाया जाए, मगर उसूलन हमें 160 रन बनाने ही नहीं चाहिए था, हमें मानना चाहिए था वन साइडेड उनको 180-190 160 भी हो जाते थे अच्छे थे, 170 भी हो जाते थे अच्छे थे भाई। वो हमारा मैच हुआ था डेलिस में, डेलिस की पिच अमेरिका में बेस्ट है, बरल में देख रहा था कल बाबर आजम के खिलाफ, काफी सारे लोगों ने बोला है कि बाबर आजम को T20 का प्लेयर नहीं होना चाहिए, इनकी जगह ही नहीं बनती T20 मैच में, आप किंग कहलाते हो, आप 4,000 रन बनाते हो,
इस बात से बहुत इख्तलाफ करता हूँ। बाबर आजम की कैप्टनसी से मैं शुरू से इख्तलाफ था, क्योंकि जब सरफराज अहमद को जिस तरीके से हटाया गया था एक क्लीन स्वीप के ऊपर हारने पर, वो एक प्रॉपर वो गेम प्लान था, मतलब साफ दिख रहा था। वो जो रिजीम चेंज हुई थी उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवाल तो शुरू से ही है, वो क्रिटिकल डिसीजंस नहीं ले पाते और फौरन डिसीजन ले पाते। मतलब जैसे 19वां ओवर बात की कि नवाज से करवा दिया, क्योंकि पहले अपने सारे ओवर्स करवा दिए फास्ट बॉलर के, तो पीछे कोई वजह नहीं था। जो हम T20 का आई गेस फाइनल था ऑस्ट्रेलिया में, जब शाहीन शाह अफरीदी जख्मी हो गए तो इफ्तिखार अंकल को बॉलिंग पकड़ा दी और छक्के मार दिए, क्या नाम था, बेन स्टोक्स। तो ऑप्शंस खुद खत्म करते हैं ना जब आपके पास प्लान बी नहीं, बैकअप अपने रखने नहीं। नहीं एक चीज पे रहे अभी, अभी बाबर आजम पे रहे, आप कहानियां पेंतरे बदलते रहते हैं। प्लेइंग 11 ही सही नहीं खिलाता तो कहां से उसके ऑप्शन कोई ढंग का बचेगा, जब इंजरी तो होती है हर मैच में, होती है हर किसी के साथ होती है। हाँ, किसी के बालों में दर्द हो जाता है, किसी के नाखून में दर्द हो जाता है, किसी के जूते फट जाते हैं जी, इंजरी तो हो जाती है। ऑप्शन हमारे पास बेस्ट होगा तो हम उसको वहाँ पे गेम में लेकर। अच्छा, मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन आ गया। सुनो भाई, बताओ मेरी बात सुने, ये पीसीबी को बोले मशवरा दें, बल्कि पीसीबी को छोड़ दें, आप आईसीसी वालों को बोले पाकिस्तान आए, गली मोहल्ले में घूमे, अच्छा ठीक है, उनको वहाँ से क्या कहते हैं वो फास्ट बॉलर भी मिल जाएंगे, लेग स्पिनर भी मिल जाएंगे, ठीक है, और टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे। अच्छा, वो जो भी स्पिनर स्पिनर होते हैं ना वही बोलते। यार बकरा ईद पे तो गाय लेग स्पिनर बनी होती है, अपनी टांगे घुमा रही होती है, एक टांग मार के वो शॉट फेंकते हैं सीधा गोल गोल बंदा गोल हो के वहां जाता है। अच्छा चप्पू भाई, आप क्या है, आप लेग स्पिनर है, आप फास्ट बॉलर है, ये हैंड स्पिनर है। कैसे कैसे करके दिखाए वो करके दिखाए ना चप्पू भाई, यार आवाज भी नहीं निकल रही भाई। वाह भाई, चप्पू भाई की स्पॉन्सर्ड चाय हमारे पास मौजूद है, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर चप्पू भाई आपका, आप चाय मंगवाते रहते हैं यार, हम इंजॉय करते हैं, मजा आता है। बाबर आजम के हवाले से बात चल रही थी, यार बाबर आजम को मैं बैट्समैन पसंद करता हूँ T20 में, क्योंकि हमारे पास प्लान भी नहीं होता। अगर अगर चप्पू भाई रुके, चप्पू भाई टाइम नहीं है, चप्पू भाई यार चप्पू भाई अच्छा कर रहा हूँ ना, पहले बाबर आजम का तो मसला हल कर दे, तभी तो गली मोहल्ले के लोग आएंगे ना। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बीइंग अ कैप्टन तो हम सब खिलाफ थे, लेकिन बीइंग अ बैट्समैन अगर हम बात करें तो एहसन साकिब दोनों मुझे बताओ, जिस मैच में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता उस मैच में कौन हीरो होता है, या पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए, मतलब हर कोई कहता है कि बाबर आजम और रिजवान पहले 10 ओवर ले लेते हैं इसलिए बाकियों को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। यार कितने मैचेस हो गए जब से, मैं समझता हूँ जो शाहीन शाह अफरीदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें जो उसके बाद बाबर आजम मैं नहीं देख रहा कि 10 ओवर तक परफॉर्म कर रहे हो या 10 ओवर तक बैटिंग कर रहे हो एटलीस्ट, तो पूरी टीम को तो मौका मिल रहा है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है जो हम बाबर आजम पर इतनी तनकीद करते हैं। बात अच्छा सुने ना, मेरी भी सुने, मैं जब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुकम्मल नहीं करने दी थी, मैं बात यही कर रहा था कि अगर रिप्लेसमेंट होती बाबर आजम की तो मैं कभी भी ना कहता कि बाबर आजम टीम में होने चाहिए। बाबर आजम की जगह वाकई T20 में नहीं बनती, रिजवान की भी नहीं बनती, ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं। ये ODI प्लेयर्स थे, इनको पता नहीं क्यों T20 में मौका दिया गया, और T20 में जगह ही जगह वहाँ पे लगा दो इन लोगों ने, अपने लिए इंडिविजुअली अपने टारगेट अचीव किए, 4,000 रन्स बनाए, बस इनके टारगेट में यही होता था कि हमारा नाम बने, हम नंबर वन रहे, टीम नंबर वन कभी ना रही सरफराज के जाने के बाद। नहीं, बाबर आजम के दौर में भी टीम नंबर वन आई है, टीम मतलब आई थी लेकिन ज्यादा अरसा नहीं। अच्छा रुको तो सही, आई तो है ना, मेरी बात सुनो, मेरे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मशवरा दिया ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ना एक इसी तरह की फिल्म थी, ठीक है, हाँ फिल्म उसमें वो उसका वो क्या कहते हैं दे दनादन छोटा सा बच्चा है, वो अपने बैट को ना मैजिक बैट समझता है, और वो ऐसा प्लेयर होता ही है कि वो जो क्रिकेट का कोई अहदेदार होता है वो किसी क्या होता है लगाई हुई आपने, अब चुप करके सुन ले। अच्छा सॉरी, क्रिकेट का जो अहदेदार, सॉरी सॉरी मेरा चेक मत काट लेना, हाँ क्रिकेट का जो अहदेदार होता है वो गली मोहल्ले में गया होता है, वहां पे उस बच्चे को खेलते भी देख लेता है। अब वो बहुत छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, और उसको टीम में लेके आके कहता है कि जिसको खिलाओ, हर कोई इसके ना मजाक उड़ा रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, होता है कि जा रहे हैं आप, ये आगे बढ़े हैं।
मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं 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 इसको चेक नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, अब नहीं होगा। अब नहीं, तो वो बच्चा ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। ओह माय गॉड, हमें भी ना इस तरह, बल्कि पहले आईसीसी वालों को इनविटेशन देना चाहिए कि पाकिस्तान आए, उनको बोलो कि भाई लियारी में घुसे, ठीक है, वहाँ पे उनको फुटबॉल मिल जाएगा। वो फुटबॉल प्लेयर्स को वो क्रिकेट में खिला सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है। हाँ, एडजस्टमेंट हो जाती है। इसी तरीके से बाकी पंजाब साइड पे जाए ना, गली मोहल्ले में इतनी बेहतरीन क्रिकेट होती है, इन बाबर आजम आजम को बोले इधर आके बच्चों से सीख लें, कुछ नहीं हो रहा तो हमसे सीख लें। भाई सीधी बात ये है कि पाकिस्तान को अपने सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। अगर हम बाबर आजम लोगों पे तनकीद करते हैं ना ड्राइंग रूम में बैठ के, जितने लोग एक्सपर्ट्स बने हम तो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं जी। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो भी प्लेयर परफॉर्म करने लगता है उसकी इंडिविजुअल बातों पर सवाल उठना और उसके कैरेक्टर को बात बात में बीच में लाना, ये आज से नहीं चल रहा। जब से कामरान अकमल लोग खुद परफॉर्मर्स थे, अब वो एक्सपर्ट्स हैं और वो हाई प्रोफाइलिंग जरा खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो जितने भी ये प्लेयर्स थे जब ये खुद खेलते थे तब इन पे यही बातें होती थी कि ये लोग रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं और अपनी पर्सनल पीआर के लिए खेलते हैं और समथिंग लाइक दैट। एक मैच में परफॉर्म करते हैं, पूरी सीरीज नहीं खेलते, सिर्फ एक मैच में 50 मार देते हैं, उसके बाद इनके चारों मैचेस में बैटिंग पक्की हो जाती है, तो इसलिए ये बस इस तरह खेलते हैं। चाय पीने के बाद जाहिर है ईद पर हमने बहुत ज्यादा गोश्त एंजॉय किया और गोश्त भी खाया, बारबेक्यू, कढ़ाइयां, बिरयानियां, जितना कुछ हो सकता है, कलेजियां, चांपे, दुम्बी की चांपे, भाई क्या क्या नहीं खा चुके हम तो। हाँ, आपने ओजड़ी तो नहीं खाई वैसे? ओजड़ी नहीं खाई, नहीं थी, चढ़ गया था भाई। अच्छा, चढ़ गए थे आप? पहले दिन निकला और आखिरी दिन निकला, बस। भी अच्छा जी, जनाब जनाब हमारी बात चल रही थी पाकिस्तानी टीम के ऊपर, हम बात कर रहे थे बाबर आजम और बाकी प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी हम देख रहे थे कि क्या खोया और क्या पाया पाकिस्तानी टीम ने। जाहिर है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना कर सकी हमारी टीम, लेकिन इस वक्त सुपर 8 का जो आगाज़ है वो हो गया है। कल शाम पहला मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए, जिसमें यूएसए ने काफ़ी टफ टाइम दिया है हमारी साउथ अफ्रीका टीम को। मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो काफ़ी चोकर्स में इनका शुमार होता है, लेकिन कल चौक नहीं किया इन लोगों ने, बिल आखिर उन्होंने मैच जीत लिया अपना साउथ अफ्रीका ने। और सुबह मैच खेला गया, मैच नंबर 42, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी इंग्लैंड ने 8 विकेटों से। तो एक अच्छा आगाज़ हुआ है सुपर 8 मरहले का, देखते हैं कौन सी टीमें हैं जो टॉप 4 में जाती हैं और फिर वहाँ से सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो बहुत कुछ है वर्ल्ड कप में, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपके साथ हैं, हम अभी कहीं नहीं जा रहे। जीत का जोश इंशाल्लाह वैसे ही जोश और जज्बे के साथ रोज़ाना 3 से 4 जारी रहेगी, आपने रहना है हमारे साथ। पाकिस्तानी टीम नहीं है तो क्या हुआ भाई, ये झूठे जोश और जज्बे के साथ चलती रहेगी, मैं बता दूं आपको। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम लिसनर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें और लेकर आ रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कंटेंट, हम आपके लिए ऐसा ऐसा लेकर आ रहे हैं कि आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आपको, हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं, एहसन इकबाल है, एहसन मसूद हमारे साथ है, तलहा इनाम अभी हमें ज्वाइन करेंगे, अक्सा ज्यादा भी हमें ज्वाइन करेंगी, गाना सुनेंगे, कुछ खेलना चाह रहे हैं एहसन इकबाल साहब। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज में गजल सुनाऊँ आपको, क्या ख्याल है चप्पू? हाँ, भाई गजल नहीं सुनाऊँ, अब गजल सुनाऊँ, गजल वो गजब हो जाएगा फिर। अजब गजल की गजब पुरानी कहानी। हाँ, तो पहले गजल सुन लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ताज़ा गजल बिल्कुल। हाँ हाँ, ये गर्मा गर्म ओवन से निकली हुई ताज़ा ताज़ा जो गजल है वो हम पेश कर रहे हैं। मेरे लगे हुए न तुम्हारे लगे हुए, कुछ और लोग हैं ये किनारे लगे हुए, जैसे खिले हों फूल मेरे आसमान पर और हों मेरी जमीन पर सितारे लगे हुए। तुमने तो कर दिया था अलग हमको एक बार, हम हैं तुम्हारे साथ दोबारे लगे हुए। रखने लगा है कोई हमारा ख्याल भी, अपने भी हैं यहाँ पे गुजारे लगे हुए। करना नहीं है हमने भी मर्जी से अपनी कुछ, हमको भी है किसी से इशारे लगे हुए। भागे हों जैसे चीज उठाकर किसी की हम, पीछे हैं सारे लोग हमारे लगे हुए। होना था एक दिन यही दीवारे शहर पर, है इश्तिहार आपके बारे लगे हुए। फैली हुई है आज मोहब्बत वबा की तरह, इस काम पर हैं सारे के सारे लगे हुए। तस्वीर खाना सी है फिजा हर तरफ जफर, ऐसे हैं चौखटों में नजारे लगे हुए।
वाह भाई वाह, क्या क्या बन, मतलब ये क्या लगे हुए थे भाई, ये मुझे तो ऐसे लग रहे थे टूटे लगे हुए थे। कुत्ते लगेंगे आपके पीछे। अबे किसी चीज से भाग रहे थे भाई, क्या हो गया ये, बोल भी रहो, रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, वो लगे हुए थे ना, दरअसल लगे हुए थे, बारे लगे हुए थे, दोबारे लगे हुए थे, इशारे लगे हुए थे, बकरा ईद है बहुत गोश्त का है अब लगे हुए हैं, जोगी करने निकले थे वो गोश्त को ना हजम कर रहे थे, भाग जा रहे अच्छा बाला जी, ताजा गजल थी जफर इकबाल साहब की, बहुत मजा आया, बहुत गर्म 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 गजल, अरे एक कह रहा अवन से, एक कह रहा कढ़ाई से, समझ नहीं आ रही कहाँ से निकाल ली बाला, जो भी है लगे हुए थे तभी तो लगे हुए थे। अच्छा जनाब, सुपर एट का मरहला शुरू हो चुका है, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, मजे का मैच होगा, और उससे पहले वेस्ट इंडीज वर्सेज इंग्लैंड का अगर हम मैच देखें तो 180 का टारगेट जो 20 ओवर में वेस्ट इंडीज ने स्कोर किया वो 17.5 कुछ ओवर्स में जब चेज कर लिया, फिल शॉर्ट क्या बेहतरीन बैटिंग की, बैरिस्टो ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 26 बॉलर पर कुछ 40-47 रन स्कोर किया बैरिस्टो ने, और फिल शॉर्ट ने भी अच्छी बैटिंग की, 80 प्लस स्कोर किया, और इसके अलावा जब हम अगर बात करें साउथ अफ्रीका और यूएसए के मैच की तो 194 का जो स्कोर था साउथ अफ्रीका, वो ऐसे मौके पर एक मौके पर लगा कि शायद कम पड़ जाएगा और यूएसए ले जाएगा बाजी, जिसमें एंड्रयूस घोष नाम है इनका, बड़ा मुश्किल से नाम है, बाकी बहुत भारी नाम था, तो एंड्रयूस घोष ने जो है वो 40 बॉल्स पे 74 रन स्कोर किए थे, मतलब 40 गेंदों में 74 रन स्कोर किए, सामने बॉलर्स आपके सामने थे रबाडा और समथिंग लाइक दैट, सारे जितने भी है, डी कॉक ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 47 गेंदों में 87 रन स्कोर किए, और बस अब सुनो अभी आपने वो जो जिसका बोला ना 40 बॉल पे 74 गिरे, थोड़े कम हुए, थोड़े से कम हुए, अरे आप स्कोर बोर्ड पे मैनेजर नहीं लगे हुए, आप यहाँ शो करें चप्पू भाई, आप खरीद रहे और बेचने में फोकस किया करें बस। अच्छा भाई टीम ले लो, पाकिस्तानी टीम ले लो, नहीं नहीं ये कोई नहीं लेगा, आपको पत्थर पड़ेंगे, पाकिस्तानी टीम नहीं बेचे, आम ले लो केले ले लो। अच्छा 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 ठीक है, हमारे साथ तला इनाम भी थे, वो कहीं कहीं गए हुए क्या, ईद मनाने ससुराल तो नहीं गए हुए, अच्छा तला इनाम टक 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 आए काए मोहम्मद के अबू, इतने प्यार से तो चप्पू भाई आप घर में नहीं बुलाते जितना यहाँ बुला रहे हैं ट्रांसमिशन में, क्या बात है भाई, आ गए भाई आ गए, दला इनाम दला इनाम, आपको भी उल्टी आ गई ना इतने प्यार से बुलाया, कभी आदत नहीं रही आपको ना, ऐसा ही हुआ ना, देखो शर्मा रहे हो, देखा हमारे साथ भी यही होता है, हमारे साथ होता है तो तुम्हें बुरा लगता है, खैर आप लोग की तो अपनी जोते चलती रहेंगी, लिसनर्स क्या हाल है आप लोगों के, और ईद कैसी गुजरी, नहीं गुजरा आप रुक जाए चप्पू भाई थोड़ा सा हौसला करें, जब हौसला करें भाई, जब आया करो ना तो मोबाइल को चैलेंज कर दिया करो, डायरेक्टर साहब बहुत गुस्सा होते हैं, या जो इधर आके नमाजें पढ़वाते हो ना सबकी, शो की नमाज पढ़ी जाएगी, आपसे रिक्वेस्ट है देखो हाथ जोड़ के मेरे, चप्पू भाई डायरेक्टर क्यों नहीं खरीद रहे आप यार, वो बिक नहीं रहा, वो बहुत ये शुक्र है कवर कर लिया आपने वरना आप बिक जाते अभी दो सेकंड में, खैर लिसनर्स क्या हाल है आप लोगों के, उम्मीदें खैर से होंगे, और बोल रहे थे चप्पू भाई थोड़ा हौसला करें, अच्छा नहीं नहीं चप्पू भाई इग्नोर नहीं मारा मैंने, बिल्कुल ई ट्रांसमिशन में सुना कि चप्पू भाई को किसी ने कहा कि फेंकू भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन ईद का मौका होता मैंने कहा छोड़ो चलो जाने दो, ईद का मौका होती है कभी कभी, तो भाई पाकिस्तान पाकिस्तान वापस आ गया, पहुंच गए साकिब पाकिस्तान, या अभी रस्ते में पहुंच गए, नहीं अंडे अंडे टमाटर कौन सा है करे इतनी महंगाई में, अंडे और टमाटर पाकिस्तानी टीम पर 500 रुपए दर्जन अंडे हो जाएंगे अगर इनको मारेंगे तो
बिल्कुल डिमांड बढ़ जाएगी जिस तरह वो कोरोना में मास्क किलो में चले जाएंगे, जिस तरह कोविड में मास्क की जो है ना प्राइस बढ़ गई थी बिल्कुल ऐसे ही। अब कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? मैं अब जो है पाकिस्तानी टीम के बाहर आने के बाद मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा आज आज यानी जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है वहाँ क्या लग रहा है, अफगानिस्तान जीतेगा इंडिया? अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ तो वही जीतेगा, मुझे तो यही लगेगा। अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई मैं भी। अच्छा भाई अफगानिस्तान के जो है ना फैंस बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के हारने के बाद। चलो यार इससे फायदा हो रहा है हमारे अफगानी भाइयों को कि पाकिस्तान हार गया। अब 3 मिनट रह गए थे ट्रांसमिशन के लिए तो इसलिए मैंने बोला मैं थोड़ी सी बात कर लूं। कल एक इंसिडेंट हुआ जो कि अनफॉर्चुनेट था हारिस रऊफ साहब के हवाले से, आप तमाम लोगों ने मीडिया पे देखा होगा। दुख हुआ बाकी क्योंकि हम सब जज्बाती हैं, हम सबके दिल दुखे हैं और इसमें हारिस रऊफ का भी कुछ कैरेक्टर था। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था उसमें जो उन्होंने बॉल्स उधर दी, वो जो आखिरी 3 बॉल्स पर उनसे डिफेंड नहीं हुआ, सॉरी पाकिस्तान और आई गेस यूएसए का जो मैच था जिसमें आखिरी ओवर में 15 रन उनसे डिफेंड नहीं हुए, तो लेकिन बीइंग अ बॉलर मेरे ख्याल से ये हो जाता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है, तो हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान नॉट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ऐसा हुआ कि किसी पहले राउंड से बाहर हुआ किसी टूर्नामेंट में। 2016 में शाहिद अफरीदी जो आज बहुत एक्सपर्ट बने हुए हैं, इनकी कैप्टनसी में जब पाकिस्तानी टीम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी तो हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। और सिवाय बांग्लादेश के, बांग्लादेश 2016 में उनकी क्या टीम थी, क्या लेवल था हम सब जानते हैं, सिवाय बांग्लादेश के हमने किसी टीम को जब हम शिकस्त नहीं दे पाए थे, तो उसके बावजूद भी टीम आगे बढ़ी। 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 2024 में वही सिचुएशन बन रही है, 2024 में 2025 जीत जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, हमें ख्वाहिशात रखनी चाहिए। बहरहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी दिस के हाँ बस सीन यही था कि हम सब चूंकि क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेटर्स को भी पसंद करते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए हमारा कल्चर ये है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी कोई लैंग्वेज इस तरह की नहीं है, बहुत स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करता है, तो वो घर पर आके ये देखता है कि ख़वातीन साथ हैं या फैमिली साथ हैं तो लिहाज करना चाहिए। तो हमारा कल्चर ये है कि ख़वातीन का एहतराम, बच्चों का एहतराम, बुज़ुर्गों का एहतराम सबसे पहले आता है। अगर कोई आपका जानी दुश्मन भी है और वह साथ में ख़वातीन के साथ जा रहा है तो आप उस वक्त उससे बदला नहीं लेते, आप बोलते हैं कि इसी दिन मुझे अकेला मिले फिर मैं इसे बताता हूँ। तो जी हाँ हारिस रऊफ भी अगर आपको अकेले मिलते ना तो आप उन्हें बता देते, वह तब की बात थी, लेकिन फिर भी जान इज्जत और माल तीनों का तहफ़ रियासत की भी जिम्मेदारी है और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, प्राइवेसी का ख्याल रखें। हमने तनकीद करनी है, लॉजिकल तनकीद के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल करें, ना कि हम इस तरह के हथकंडों पर उतर जाएँ कि कोई फिर खेलने के काबिल ना रहे, मतलब किसी का दिल ना करे कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, किसी का दिल ना करे कि वो पाकिस्तान के लिए बात करे, किसी का दिल ना करे कि वो पाकिस्तान के हवाले से। इमरान रियाज खान और शाहिद आफरीदी की भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है और इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं। ट्विटर को देखो आप, फेसबुक को देखो, व्हाट्सएप स्टेटस देख लो लोगों के, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, रिएक्शंस देख लो, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और मेरे ख्याल से यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप लॉजिकल डिबेट्स कर सकते हैं, जज्बाती अपने कमेंट्स भी पास कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको प्रॉपर पाकिस्तान में इजहार का मौका मिल जाता है कम से कम सोशल मीडिया की हद तक। तो मेरी तरफ से इतना ही था इस पैगाम के साथ, मैं चाहूंगा इजाजत। अभी और बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा आप बोल रहे हैं, सॉरी यार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं। अरे ये गुस्से में आ गया तलाई नाम, कल से ये ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे भाई। जनाब एहसन इकबाल मैं भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को भरपूर यानी इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। आई रियली कंडम दिस, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि जाहिर है ये प्लेयर्स जब पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते हैं तो यकीनन इनके जहन में भी होता है, इनके दिल में भी होता है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का झंडा उनके साथ होता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब जैसे अमेरिका में या कहीं भी हमारी टीम है तो वहाँ पर कौमी तराना चलता है तो बड़े जज्बात इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे भी कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो ये प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अगर नहीं वो खेल सके किसी भी वजह से तो ज़ाहिर है उनके बस में नहीं होगा, वो नहीं खेल पाए, जान के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता ना। उन्होंने भरपूर कोशिश की, हम देख भी रहे होते हैं, ज़ाहिर है बाकी कुछ किस्मत में चीज़ें होती हैं कुछ नहीं होती, तो इसलिए नहीं हो पाता समटाइम, आपको वो रिज़ल्ट नहीं अचीव कर पाते आप जो चाह रहे होते हैं। तो इस दौरान फिर आपको बाकी जो हमारे यानी पाकिस्तानी जो आवाम है उनको गुस्सा आ जाता है और वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़ाहिर है हमारी क्योंकि फीलिंग्स इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जज्बात इतने इन्वॉल्व होते हैं कि जब इस तरह होता है यानी हमारी जो तवक्कोआत हैं उस पर टीम नहीं उतरती तो फिर हम भी गुस्से में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये है कि हमारी जो
पाकिस्तान, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको चाहिए कि वो कोई सज़ा मुकर्रर करें टीम के लिए, यानी कोई ना कोई उनकी तरफ से इस तरह का स्टेप होना चाहिए कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रोक दें, उनका बाहर आना जाना कुछ दिनों के लिए रोक दें। सऊदी अरब में होते हैं ना, चोरी करोगे हाथ काट देंगे, ठीक है, तो इस तरह के कुछ निकाल दोगे, एक बॉल छोड़ोगे तो हाथ, एक वाला हाथ काट देंगे। हाँ, इस तरह यानी कैसे पकड़ेंगे गवर्नमेंट लेवल पे, फिर दूसरों की बोले भी पकड़ लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे कोई ना कोई सजा इनकी जरूर होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि भाई अगर हम अपना 100% नहीं देंगे। पेनल्टी, हाँ पेनल्टी, चप्पू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पेनल्टी कोई ना कोई होनी चाहिए। पेनल्टी से इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसको पता होता है अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मेरे साथ ये हो सकता है। तो बस एक और आइडिया आ गया, हाँ टीम को बोलो अगर ये हारे ना तो पूरा टूर्नामेंट का पैसा उनकी जेब से जाएगा, फिर देखो कैसे जीतेंगे। वाह वाह वाह, अच्छे आइडियाज हैं ये आइडियाज, अगर हमारे कैच कर लिए जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर ये नौबत नहीं आएगी कि जो इंडिविजुअल्स हैं कैच करते तो आइडियाज कहाँ से कैच करेंगे। हम जो इंडिविजुअल्स हैं फिर वो इतना गुस्सा नहीं करेंगे, हमें पता होगा कि भाई ऊपर से वैसे ही सजा उनको मिल गई है, उनके बेचारों के पैसे कट गए हैं, उनके बेचारों के साथ ये हो गया तो लग गया। लगा दो, कुछ तो करो। हाँ, ये चीजें जरूर होनी चाहिए, तो इससे यकीनन टीम को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लर्निंग होगी, तो उनकी लर्निंग हो रही है, हमारी भी लर्निंग हो रही है। आज की हद तक जीत का जोश में हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो चप्पू भाई यार, मेरी तरफ से भी भाई यही है, प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग अलग रखो, सबकी माँ बहनों की इज्जत करो, ठीक है, बेगम भी है तो उनकी भी इज्जत करो भाई। अच्छा, तो हाँ बेशक जितना घटिया प्लेयर हो लेकिन माँ बहन के साथ हो, बेगम के साथ हो, तो थोड़ा ख्याल करो यार, उनको बोल दो कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कोई नहीं चलता बाद में देख लेंगे। तो भाई जान सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। ये पता नहीं वो मुझे पुराने रेडियो वाली फिल्म आ रही थी, मैंने इसलिए बोल दिया आदाब रेडियो, ये चूजा बोला है देखो। ओके जी जनाबे आली, मुझे और चप्पू भाई और एहसन इकबाल, एहसन मसूद, तलहा इनाम, इन सबको दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ, जितनी भी हमारी टीम है, आईटी की टीम है, डायरेक्टर है, जो हमारे ऑडियो के लोग हैं, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हुए साइन ऑफ कर रहे हैं अपने जीत का जोश की हद तक, यानी आज की हद तक जीत का जोश से। आपसे मुलाकात करते हैं कल सेम टाइम पर सेम नेटवर्क पर इंशाल्लाह, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। अल्लाह हम यू नासिर, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ओ जिंदाबाद यार।